आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरव्यू टिप्स के ऊपर कि जब आप लोग स्पेशली जर्मनी के अंदर अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना होगा वहाँ पे। यार एक चीज़ जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं जर्मनी के अंदर, एटलीस्ट 70-80% इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना वो उन्होंने ज़रूर पूछा। और प्रॉब्ली शायद ये आप लोग जिस मुल्क में भी हैं वहाँ पे भी आप लोग शेयर करें कमेंट्स में कि क्या आप लोगों से भी वो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि हमेशा हर कंपनी जो है ना उसकी कंपनी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो उन्होंने मोस्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखी होती हैं कि ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर हम बिलीव करते हैं, ये हमारा मोटो है, ये हमारा प्लान है। तो 70-80% मैंने नोट किया कि ये क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है और मैं उसकी रीज़न समझ सकता हूँ कि आई थिंक जर्मनी के अंदर ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि क्योंकि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मोस्ट कंपनीज़ जो हैं बड़े शहरों के अंदर वो मल्टाई नेशनल है, मल्टाई कल्चरल होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे मुल्कों के लोग होते हैं, तो वो प्रॉब्ली उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चाहते ये हैं कि हर कोई जो है वो उनको पढ़ के आए, यानी कि उनको पता हो कि भाई हम ऑफिस में जो है वो बिहेव कैसे करते हैं या हमारे रूल्स क्या हैं या हमें क्या पसंद है या हमारे क्या तरीके होते हैं। तो एक ये मेरी सजेशन है कि आप लोग भी जब कभी यहाँ इंटरव्यू देने जाएं तो जो कंपनी वैल्यूज़ का पेज है उसको अच्छी तरह पढ़ के जाएं, वो आपको पता हो कि उस कंपनी की क्या स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं और वो आपसे पूछें तो आप उनको शेयर कर सकें। और ऑफ़ कोर्स आप लोगों को उन वैल्यूज़ से एग्री भी करना चाहिए क्योंकि तभी आप वहाँ काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो इसलिए भी प्रॉब्ली पूछते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये कितना इंटरेस्टेड है पोजीशन में, क्या ये आया है तो इसने हमारे ऊपर जो है वो होमवर्क कितना किया है, इसने कितनी रिसर्च की है हमारे ऊपर, तो इसको पता भी है कि हम जो है वो हम लोग बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी की है, हमारी फ़िलासफ़ी की है, क्योंकि जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की होती है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी को अपने बेबी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है 70-80% एटलीस्ट कि ये क्वेश्चन जो है ना वो ज़रूर पूछा जाता है। लेकिन तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी ये टिप सजेशन शेयर करूं, वो लोग जो अभी इंटरव्यू जिनका जर्मनी में जो है वो होने वाला है या वो इंटरव्यू ढूंढ रहे हैं कोई या उनका फ्यूचर में इंटरव्यू होगा तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोग भी कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या आप लोगों से भी जिन्होंने जर्मनी के अंदर इंटरव्यूज़ दिए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके इंटरव्यू के अंदर, या अगर आप लोग जर्मनी में नहीं भी हैं और कहीं भी किसी भी मुल्क में हैं तो आप लोग भी शेयर करें कि क्या ये क्वेश्चन यूजुअल है, क्या ये आप लोगों के मुल्कों में भी कंपनीज़ जो हैं वो यूजुअली ये क्वेश्चन करती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है और अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर आप लोगों को कर सकूँ। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।